Good afternoon, ma'am and sir. हेलो, मेरा नाम शिव है और मैं PVRNS चाइल्डस्केप में काम करता हूँ। जो हमारी हेड है दीपा मैनन, उन्होंने शुरुआत करी थी PVR प्रिया से, जो वसंत विहार में है। तो वो नॉर्मली बच्चों के साथ आके जब लंच टाइम होता था, उनके पास फ्री टाइम होता था, तो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करते थे। जो बच्चे वहाँ पर बैगिंग करते थे, तो आपने देखा होगा कई सारे PVR पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैगिंग करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो अलग अलग टाइप का नशा करते हैं। तो उनके साथ नॉर्मली इंट्रैक्शन उन्होंने शुरू करा और थोड़ा बहुत उनको स्टडी करवाते थे, गेम करवाते थे। तो उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी। टोटल दिल्ली में 5 सेंटर्स हैं, साकेत में, वसंत विहार में, विकासपुरी में, नारायणा में, लाजपत नगर में। और जो हमारी टीम है, हमारी टीम को चाइल्डस्केप्स कहा जाता है। देन उनको ड्राइंग करना या स्टडी करवाना, नॉर्मली इसके साथ हमने शुरुआत करी। आर का साउंड र, आई का साउंड ई, एन का साउंड न, जे का साउंड ज, जे का साउंड ब्रिंजल। ठीक है, क्लियर है? तो सबको क्लियर हो गया कैसे क्या? देन बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे। देन उसके बाद साकेत में ही सेंटर ओपन करा, फ्लैट रेंट पर लिया। देन वहाँ पे बच्चे आते हैं और वहाँ का अलग स्केड्यूल होता है। बेसिकली हमारा जो फोकस होता है वो बच्चे जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी शुरुआत होती है PVR के आसपास से, वहाँ पर जो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करना, उनके फैमिली बैकग्राउंड जानना और उनकी सिचुएशन क्या है, वो किस कंडीशन में थे जब वो यहाँ पर आए, उनकी अभी सिचुएशन ऐसी किस वे में किस लिए हो गई है। तो हम शुरुआत करते हैं योगा से, एक्सरसाइज से, ताकि जो भी बच्चों का स्ट्रेस होता है, घर में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल में अलग होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग होती है, तो उनका थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा दूर हो, नॉर्मल फील करें। उसके बाद हम उनको स्टडी वाला काम देते हैं। स्टडी में भी लाइक एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है, कॉपी पेन वाला स्टडी नहीं, लाइक गेम खेल लिया। सबसे फेमस गेम था इसमें 26 जनवरी, आपने देखा होगा 26 जनवरी, उसके बाद काउंटिंग करो वो वाला। तो उसके थ्रू काफ़ी बच्चों ने काउंटिंग सीखी थी जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाले थे। सब्सटेंस अब्यूज़ वाले बच्चे हैं वो जो नशा लेते हैं उसको बॉन्ड कहते हैं, जो साइकिल और उसका पंचर को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत हार्ड होता है वो, बहुत स्ट्रांग होता है, वो माइंड ब्लैंक कर देता है। अगर आप बीड़ी सिगरेट पियोगे तो धीरे धीरे डैमेज करता है बॉडी को, बट वो बहुत ही जल्दी माइंड को ब्लॉक कर देता है। तो जब स्टार्टिंग का जब मैंने उनके साथ वर्क करा था, तो 2-3 महीने में उनको अल्फ़ाबेट ही सिखाता था। लाइक एक दिन हुआ ABCD, नेक्स्ट डे वही, नेक्स्ट डे वही, और नेक्स्ट डे जब अगर एक हफ्ते बाद उनसे पूछो A4 क्या होता है, BA क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता। वो उसका जो बॉन्ड होता था इतना स्ट्रांग होता था, वो भूल जाते थे उसको। और उसके बाद उनका लंच टाइम होता है, तो न्यूट्रिशन में हम अलग अलग होते हैं। लाइक जो हमारा जनता मील है, ये भी एक NGO ही है, उनके थ्रू ये खाना आता है बच्चों के लिए। स्टार्टिंग में हम नॉर्मली जब बच्चों को बोलते थे ना कि खाना खाने से पहले हम प्रेयर करेंगे, तो खुद ही हमने एक ये प्रेयर क्रिएट कर ली कि हम नॉर्मली ऐसे प्रेयर बोलें। तो साकेत में जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मेरा जो इंट्रैक्शन शुरू हुआ था वो बैगर्स जो बच्चे होते हैं उनके साथ था, और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो सब्सटेंस अब्यूज़ वाले थे। तो मुझे वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उनके साथ इंट्रैक्ट होने में, क्योंकि बहुत नॉर्मल थे वो, और सिंपल, लाइक हम बोलते हैं कि वो बच्चे ब्लेड मार देंगे या फिर कुछ कर देंगे, चोरी कर लेंगे, ऐसा हमारा माइंडसेट होता है, बट वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। हम तोड़ गए।